हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अंजुसी रेसिपीज़ में। आज हम ऐसी मिठाई बनाएंगे जो फटाफट बन के तैयार हो जाती है और गैस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना कोई चाशनी बनाना, जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप शक्कर, 2 से 3 हरी इलायची, 15 काजू लिए हैं मैंने, ये 10 से 15 होंगे। ये इन सबको अच्छे से पीस लेंगे हम। ये हमने सबको पीस लिया है, हमें एकदम बारीक पाउडर बनाना है। वैसे अगर हम काजू को पीसते हैं तो उसमें से बहुत ऑयल निकलता है, वो आसानी से पीसने में नहीं आता, लेकिन शक्कर के साथ हमने पीसा है तो बहुत आसानी से पीसने में आ जाता है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, इसको छान लेंगे अच्छे से। ये जो बचा है इसको भी हम फिर से पीस लेंगे इसको। और ये मैंने लिया है भुना हुआ चना है, ये इसको हम इसके साथ पीस लेंगे वापस, चने के साथ जो बचा था उसको। ये देखिए हमने इसको भी पीस के तैयार कर लिया है और इसको भी उसी बर्तन में छान लेंगे जिसमें हमने शक्कर और काजू को छाना था। ये देखिए आसानी से सब छन के तैयार हो गया है। और अब मैं इसके अंदर मिलाऊंगी मिल्क पाउडर, ये भी मैंने 1 कप लिया है। तीनों चीज़ मैंने बराबर मात्रा में ली है, शक्कर, चना जो कि भुना हुआ था, और मिल्क पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसके अंदर हम डालेंगे घी। 3 से 4 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे। और इस घी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसको दूध से गूंथ लेंगे। ये थोड़ा सा हमने दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, इसको गूंथेंगे। एकदम से सारा दूध नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें शक्कर है, वो भी अपना पानी छोड़ेगी। ये देखिए हमने इसका डो बना के तैयार कर लिया है और अब हम इसको बेल लेंगे। इसके लिए मैंने बटर पेपर लिया है और इस पे घी से ग्रीसिंग कर देंगे। ये मैंने पूरे बटर पेपर पे घी से ग्रीसिंग कर दिया है। और अब हम इसको बेल लेंगे। हमें जितनी बड़ी कतली चाहिए उसी हिसाब से हम इसको बेलेंगे। ये मिठाई खाने में बहुत टेस्ट लगती है, झटपट बन के तैयार हो जाती है। कभी हमारे घर में मेहमान आ जाए और ऐसा लगे कि क्या खिलाए, तो ये मिठाई हम बहुत जल्दी बना के तैयार कर सकते हैं। और जब तक आप बताओगे नहीं कि इसके अंदर क्या बनाइए, क्या डाला है हमने, तब तक मेहमान भी पता नहीं लगा सकता कि ये किस चीज़ की बनी हुई है। इसको खाने के बाद मेहमान आपकी एक तारीफ ज़रूर करेगा कि कितनी अच्छी चीज़ बनाई है आपने, बहुत अच्छी स्वीट बनाई है। और अब हम इसको साइड से कट कर लेंगे।
स्केल से करो चाहे चाकू से करो, साइड से इसको कट कर लेंगे ताकि जो हम कतली काटेंगे वो एक नाप से कटे, और जो इसके ये साइड के पीसेस है इसका भी हम कुछ और बनाएंगे। ये देखिए हमने साइड से इसको काट लिया है। इन टुकड़ों से भी हम कुछ बनाएंगे, और अब हम स्केल की सहायता से निशान लगा लेंगे। जितनी हमें कतली बना के तैयार करनी है उसी हिसाब से हम निशान लगा लेंगे, फिर स्केल की सहायता से उसको काट लेंगे। ये मैंने निशान लगा लिए और मैं स्केल रख के इसकी बराबर बराबर कतली काट के तैयार कर लूँगी। ये देखिए ऐसे ही हम पूरे इसमें निशान बना के काट लेंगे, और ये अब इस तरीके से भी काट लेंगे जिससे हमारी कतली की डिजाइन आ जाए इसमें। ये देखिए इससे हमारे सारे पीस एक बराबर कट के तैयार होएंगे। ये हमने सारे पीसेस काट लिए हैं, और जो साइड में जो ये पीस है जो कतली के शेप के नहीं है उनको हम बाहर निकाल देंगे। दुकानदार भी ऐसा ही करते हैं, साइड वाले पीसेस को काट लेते हैं और सब एक तरीके के पीसेस रखते हैं। ये देखिए सारी कतली हमारी कट के तैयार है, और अब हम इस पे चांदी का वर्क लगा देंगे। अब हम कतली को निकाल लेंगे एक एक करके। ये देखिए ऐसे करते हुए सारी कतली हम निकाल लेंगे एक एक करके। ये हमने सारी कतली निकाल ली, जो बचा हुए साइड के जो पीसेस हमने निकाले थे उसको हम इस तरीके से बेल के उसका रोल बना लेंगे। इसको भी हम बराबर बराबर टुकड़ों में काट लेंगे। दीपावली पे हम बाहर से मिठाइयाँ लेके आते हैं जो मिलावटी होती है, हम अपने घर पे ऐसे मिठाई बना सकते हैं। ये बहुत कम खर्च में और बहुत ही आसानी से बन सकती है। ये देखिए इसी नाप से हम दूसरा पीस भी काट लेंगे। बराबर बराबर टुकड़ों में हमें ये काट के तैयार करना है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी मिठाई। ये हमने रोल काट लिए और ये कतली दोनों एक साथ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये मिठाई खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, आप ज़रूर बना के देखिएगा इसको। बहुत ही कम चीज़ों में बहुत जल्दी बन के तैयार होती है। ये देखिए मैं आपको इसका तोड़ के बताती हूँ। इसका टेक्सचर देखिए आप, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी टेस्टी, खाने में बहुत टेस्टी लगेगी ये। आपको बना के ज़रूर देखिएगा इस रेसिपी को आप। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये। ये बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी घर पे बन के तैयार हो सकती है। इसको देख के कोई नहीं कह सकता कि ये घर पे बनाई हुई है। बहुत ही अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।